Once again, a very very warm good morning to all dear friends. Welcome back in my channel Real English Studio. Friends, आज की वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है. आज हम लोग नरेशन का पार्ट 5 अर्थात पर्सन चेंजिंग रूल को कवर करेंगे इस वीडियो में. और आज हम लोग ये जानेंगे कि पर्सन क्या होता है, पर्सन कितने प्रकार का होता है, पर्सन को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज किया जाता है. इन सभी चीज़ों का कंप्लीट डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा. आज के बाद आपको जरा सा भी टेंशन नहीं होगी पर्सन को समझने में. तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं. पर्सन चेंजिंग रूल. देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनवर्टेड कामा के अंदर जितने भी पर्सन, देखिए पर्सन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तीनों में से कोई भी पर्सन अगर इनवर्टेड कामा के अंदर इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में अगर आया है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है. ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन उससे भी पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि पर्सन कितने प्रकार का होता है और क्या होता है. तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्सन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं. तो बेसिकली पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. याद करना बिल्कुल ईजी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अगर इन तीनों पर्सन की बेसिकली डिफिनेशन की बात किया जाए तो आपके सामने लिखा है कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो जो व्यक्ति बोलेगा अर्थात जो व्यक्ति उसकी बात को कर अर्थात जो व्यक्ति बोलता है ना, तो वही फर्स्ट पर्सन होता है. और जिस व्यक्ति से बोलता है इट मीन्स जो व्यक्ति सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है. और जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में या जिस स्थान के बारे में बातचीत होती है वो सब कुछ थर्ड पर्सन कहलाता है. तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बोलिए हाँ. अब आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोनाउन का केस आया होगा, ये टेबल. जिस टेबल को लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस टेबल के बिना आप पर्सन चेंजिंग रूल में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे. तो आइए एक बार इस टेबल को समझ भी लेते हैं और इसमें और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. देखिए पर्सन जो होता है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और यू ओनली वन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकेंड पर्सन में आता है. उसके बाद इस दुनिया में जो कुछ भी बचा वो सब कुछ थर्ड पर्सन है. इट मीन्स ज़्यादा भी याद करने की जरूरत नहीं है. आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और जो भी बच गया इट मीन्स ही, सी, इट, दे, किसी इंसान का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, सब कुछ थर्ड पर्सन है. उसके बाद इनके केस की बात किया जाए तो आई का ऑब्जेक्ट मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये आई की फैमिली है. ये वी का फैमिली है अस, आवर, आवर, आवर सेल्फ. कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है. आप इस टेबल के स्क्रीनशॉट को लेकर के नोट्स बना करके कम्प्लीटली इसको लर्न कर लेंगे तो आपको पर्सन चेंजिंग रूल बिल्कुल इजी होने लगेगा और आपको सब कुछ समझ में भी आने लगेगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाएं. अब आइए देख लेते हैं कि पर्सन जो आएगा फर्स्ट आएगा तो वो कैसे बदलाएगा, सेकंड पर्सन आएगा तो कैसे बदलाएगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा. रूल फर्स्ट की बात किया जाए तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इनवर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मीन्स आई की फैमिली आई, मी, माई, और वी की फैमिली वी या सावर, इनमें से 6 में से कोई भी आ गया ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और खास बात ये रखने वाली है ध्यान में कि नंबर पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होगा. इट मीन्स NPG नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलाएगा. और शॉर्ट में देखा जाए तो अगर फर्स्ट पर्सन आया तो सब्जेक्ट इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे. इट मीन्स अगर इधर कोई आई, मी, माई, वी या सावर में से आया तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम बदल लेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे. अर्थात देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ये सब चेंजिंग नंबर पर्सन जेंडर इट मीन्स NPG के अकॉर्डिंग होगा, अर्थात सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, नहीं तो
जो भी है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने एग्जांपल दिख रहा होगा कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि आई एम डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ फॉर अस माने हम लोगों के लिए। तो देखिए आई माई और अस ये तीनों फर्स्ट पर्सन है और तीनों चेंज हुए हैं सब्जेक्ट से इट मीन्स ही से, लेकिन बात वही आई नंबर पर्सन जेंडर की। तो आई देखिए सब्जेक्ट है तो ही से जब चेंज होगा तो ही का सब्जेक्ट यहाँ ही आ जाएगा, लेकिन माई पॉसेसिव केस में है जब माई चेंज होगा ही से तो ही का पॉसेसिव ही से आ जाएगा और अस फर्स्ट पर्सन ही है लेकिन प्लूरल फॉर्म में होता है तो ये जब ही से चेंज होगा तो फिर जनरली सब लोग यहाँ हिम कर देंगे ही का ऑब्जेक्ट। लेकिन इसलिए एनपीजी की ज़रूरत है क्योंकि देखिए अस प्लूरल होता है, ये प्लूरल नंबर में है और ही जो होता है ना सिंगुलर नंबर में होता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी तुरंत हिम करने के बाद क्योंकि अर्थ तुरंत बदल जाएगा। इसलिए अस को चेंज करेंगे जब ही से तो ही से प्लूरल मांगेंगे तो ही कहेगा देखिए भाई मेरे पास प्लूरल नहीं होता है, मेरे यहाँ एक है थर्ड पर्सन में दे, दे जो होता है वो प्लूरल होता है, आप उसके ऑब्जेक्ट को ले जाइए क्योंकि थर्ड पर्सन में दे प्लूरल है तो दे का ऑब्जेक्ट दे में आएगा तब जा कर के नंबर मैच करेगा, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। तो अब बात समझ में आई कि नंबर पर्सन जेंडर क्यों ज़रूरी है। एनपीजी के अकॉर्डिंग आप चेंजिंग करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जो केस यहाँ का चेंज करेंगे इस चीज़ इस यहाँ लिखी हुई है प्रोनाउन का वही केस ला कर रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इसका सब्जेक्ट आया, पॉसेसिव चेंज हुआ तो इसका पॉसेसिव आया, या ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट आया। क्लियर है? तो आइए आगे देख, रूल नंबर टू ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बोले तो यू यू या योर आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जी हाँ, यू आ गया अगर तो फिर नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार किसके बदलाएगा तो ऑब्जेक्ट के। ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाता था फर्स्ट पर्सन तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाएगा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि देखिए यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है लेकिन पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि देखिए सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है यानी कि सब्जेक्ट जब भी यूज होता है तो वर्ब के पहले यूज होता है उसके बाद वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के अगर पहले यू लगा है तो वो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद अगर यू लगा है ना तो वो ऑब्जेक्ट है। ये कंडीशन अप्लाई होगा असर्टिव सेंटेंसों में, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के जस्ट बाद जो यू लगा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो है आपका सब्जेक्ट, और जो बाद में अगर यू आए तो वो ऑब्जेक्ट है। ये क्लियर हो चुका? यू को पहचान लेंगे आप, अगर यू को पहचान लेंगे तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर देंगे। यहाँ ट्रिक में भी दिया है कि अगर सेकंड पर्सन आया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन आता तो चेंज होता सब्जेक्ट से। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए है कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कही, यू एंड योर ब्रदर आर लेट, तुम और तुम्हारे भाई लेट हो, अर्थात देर से है। देखिए यू और योर दो आ गया, दोनों के दोनों सेकंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट है क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट है, योर है पॉसेसिव केस तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो देखिए यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको और मी का सब्जेक्ट आई होता है लग गया। योर पॉसेसिव केस में है तो आपको मी का पॉसेसिव ही लगाना पड़ेगा और मी का पॉसेसिव माई होता है जो कि लगा है, बस सिंपल चेंजिंग है यार, बिल्कुल ईजी है। यहाँ का सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे तो इस चीज़ का सब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ का पॉसेसिव चेंज करेंगे तो आप इस चीज़ का पॉसेसिव लाएंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट चेंज करते तो इसका ऑब्जेक्ट लाते जो कि खुद ही ऑब्जेक्ट मी है वही आ जाता है। क्लियर है? बाकी चीज़ें तो आप पहले से जानते हैं, इन्वर्टेड का हटा कर दैट लगता है, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इज इट क्लियर? से इन कमेंट यस। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट आ जाता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चों का क्वेश्चन भी यही होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना हो
और आप कह रहे हैं कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ आपके सभी क्वेश्चन का आंसर है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ गया लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको क्या करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेकेंड पर्सन है ना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन में नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदल देंगे। बिल्कुल यही ना क्वेश्चन था आपका। अगर सेकेंड पर्सन आया, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर उसको आप फ्री हैं, आप मन करेगा फर्स्ट पर्सन में बदल सकते हैं, मन करेगा थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग ही चेंजिंग आपकी होनी चाहिए। और फर्स्ट या थर्ड किसी में बदल सकते हैं, लेकिन एक दो जगह जहाँ भी एक्सेप्शन है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता देता हूँ। आइए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो दे सेड, वे लोग कहें, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, यू एंड योर ब्रदर बीट अस, तुम और तुम्हारे भाई हम लोगों को पीटे हो। तो देखिए यू और योर ये दोनों तो सेकेंड पर्सन है, ये बदलाएंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप फ्री हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हैं और थर्ड पर्सन में, ये सब्जेक्ट था तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और ही में से कोई आ गया, सी भी आ सकता था, माई और हिज में से कोई आ गया, पॉसेसिव में है, लेकिन अस जो है कि आपका सेकेंड पर्सन है, सॉरी अस जो है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, यानी दे से चेंज होगा, तो दे का ऑब्जेक्ट दे में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में केस में है। इस तरह से क्लियर हो चुका कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप फर्स्ट या थर्ड किसी पर्सन में चेंज कर लेंगे। लेकिन एक बहुत विशेष बात का ध्यान रखना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे खुद फर्स्ट पर्सन है, अगर पहले से ही फर्स्ट पर्सन आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में, तब आप फर्स्ट पर्सन में नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो आपका अर्थ गलत हो जाएगा और अर्थ भी बदल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सब गलत हो जाएगा। जैसे आई सेड आई फर्स्ट पर्सन है, यू एंड माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अब देखिए यू जो है सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन का, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, और अगर आप इसको फर्स्ट में चेंज कर देते तो आई आ गया होता, तो आई सेड माने मैंने कहा दैट आई वाज माय ब्रदर, मैं मेरा भाई हूँ, ये गलत हो जाता है आंसर। इसलिए जब भी सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ खुद फर्स्ट पर्सन आ गया हो तो आप इसको थर्ड पर्सन में ही चेंज करेंगे, फर्स्ट में तब नहीं चेंज करेंगे। देखिए थर्ड में आराम से चेंज हो गया, ही चेंज होगा। आप कोई कहेगा सी भी ले आ सकते हैं क्या, तो ये बिल्कुल गलत बात है, लॉजिक ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सी मीन्स गर्ल, लड़की, तो लड़की भाई नहीं होती है, वो तो सिस्टर होती है, तो यहाँ ब्रदर है, ओनली ही आ सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना है बेसिकली कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन यहीं आ गया हो तो फिर फर्स्ट में नहीं बल्कि ओनली थर्ड में ही चेंज करेंगे। इतना बात क्लियर है। रूल नंबर 3 देख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो आपको खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि उसको बदलना ही नहीं है, नो चेंजिंग, बदलते ही नहीं, अर्थात ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए इसका भी शॉर्ट ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड पर्सन है, कुछ नहीं बदला है, नो चेंजिंग, तो देखना क्या है, सब कुछ तो ईजी है। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। यू सेड, तुमने कहा, सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, ओनली दैट लग जाएगा, सी चेंज नहीं होगा, और रोट को हैड रिटन में चेंज करते हैं, पहले बताया जा चुका है, बस कोई चेंजिंग नहीं थर्ड पर्सन में। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि सन फार्मूला फॉर पर्सन चेंजिंग रूल। हाँ बिल्कुल, बहुत ही फेमस और प्रचलित फार्मूला है सन फार्मूला। सन मीन्स बेटा होता है, तो बेटा 123 नाम से फार्मूला फेमस है, जो कि पर्सन चेंजिंग रूल को बिल्कुल ईजी वे में बता देता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एस ओ एन सन और 1 2 3, यानी बेटा 123, ये 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन को। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। यहाँ क्लियर भी है कि ये जो एस ओ एन मीन्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंजिंग की बात है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात है और ये रिपोर्टेड स्पीच की बात है। अगर और इसको डिटेल से देखा जाए तो आइए थोड़ा और आगे बढ़िए, मिलेगा। यहाँ आपको और क्लियर हो गया होगा कि एस मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, आई एन मीन्स नो चेंज, और वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, टू मीन्स सेकेंड पर्सन, थ्री मीन्स थर्ड पर्सन।
तो यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका तो आगे आइए देख लेते हैं क्या पर्सन चेंज रूल में कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद हैं जिसको नहीं चेंज करना है, इसको देख लीजिए आगे वीडियो में। पर्सन चेंजिंग रूल में भी एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग हुआ हो और उस वी से सभी प्रकार की मानव जातियां, सभी लोग जातियों का बोध हो रहा हो, अर्थात मानव ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता ना, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज हुआ हो, तो उस वी को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, भले ही वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बिल्कुल ठीक सुने, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी आया है और उस वी से किसी ऐसी चीज के बारे में बताया जा रहा है जो कि कल भी सत्य थी, आज भी सत्य, अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर उस वी का प्रयोग सभी प्रकार के मानव जाति के लिए किया गया है, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए किया गया, तो उस वी को नहीं चेंज करेंगे, नहीं को आपका अर्थ बदल जाएगा। आइए देखिए एग्जाम्पल से, कहता है कि देश से डेवेलप कहते हैं कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं जी सकते हैं। अब ये वी आया है, ये सबके लिए है, पूरे ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई है इंसान जो पानी के लिए बिना जी सकता है? नहीं है, तो इसलिए इस वी का यूज करेंगे हम सबके लिए, तो इसलिए इसका चेंजिंग नहीं होगा। देखिए ओनली दैट लग गया, वी वैसे ही है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब बाई चांस वी को चेंज कर दिए होते, दे से चेंज होता तो दे खुद आ जाता, तो वे लोग नहीं जी सकते और हम लोग जी सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए वी को नहीं चेंज करेंगे। और भी एग्जांपल की बात किया जाए, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, वी आर मॉर्टल, हम लोग मॉर्टल है, मरणशील, अर्थात एक ना एक दिन सबको मरना है, तो ये सबके लिए लागू होता है, इसलिए इस वी को भी नहीं चेंज करेंगे। और एग्जांपल की बात करें एक, तो देश सेट वे लोग कहें कि वी आर सोशल एनिमल, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसमें भी वी को चेंज नहीं करेंगे। इस प्रकार से पर्सन चेंज रूल में जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जितने भी रूल थे, हर एक रूल्स को डिटेल में इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। अब आशा हम ये करते हैं कि पर्सन चेंजिंग रूल से आपको जरा सा भी परेशानियां नहीं होंगी, आप पूरा पर्सन चेंजिंग रूल दो बार तीन बार वीडियो को देखकर नोट्स बना करके समझने की कोशिश करें। फिर से एक बार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन और आगे की वीडियोज को देखने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानने के लिए आप पार्ट 6 देखना मत भूलिए। जब तक नरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, एक एक पार्ट को आप देख करके नोट्स बनाते रहें, एक दिन आपका नरेशन जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।